अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम ये बकरे का गोश्त बनाने जा रहे हैं। आधे किलो हमने ये बकरे का गोश्त लिया, ये चाँप का गोश्त है, ये देखें। इसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। ये भुना हुआ गोश्त हम बना रहे हैं, इसके लिए हमने दही लिया है, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिए और ये कुकिंग ऑयल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हम इसको लहसुन को इस तरीके से ही बारीक बारीक काट लेंगे। हमने इसको पीसा नहीं है, अच्छी तरीके से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक को भी हमने इस तरीके से करना है। जी नाज़रीन, देखिए दोनों चीज़ें हमने बहुत बारीक कर ली। अब हमने नाज़रीन ऑयल डालने के बाद इसमें हमने अदरक लहसुन ये जो हमने इसमें ये काटा था ना बारीक बारीक, ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम ये इसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। इसको हमें करना है जब तक ये वो ना हो गया, थोड़ा सा सुनहरा ना हो गया ना, जब तक हमें। लेकिन नाज़रीन, हमने अच्छी तरीके से इसको गोल्डन कर लिया है। ये देखिए बकरे की चांपे हैं, ये इनको हमने अच्छी तरीके से गोल्डन कर लिया है। ठीक है, अदरक लहसुन में हमने गोल्डन कर लिया इसको। ये देखिए प्याज टमाटर की हमने एक अलग से एक पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें रखा हुआ, दही रखा है इसमें और ये कच्चा टमाटर है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। इसको हम ये थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, इसके बाद हम बताते हैं आपको इसमें और जो सामान डालना है। ये देखें इस तरीके से कम कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें हमने जो तमाम दही वगैरह तमाम सामान डाला था, इसके बाद हम ये तमाम चीज़ें डालेंगे। देखिए हल्दी है, नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं और ये कलौंजी, ये तमाम चीज़ें हम ये तकरीबन हमने ये आधा चम्मच ये लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, डेढ़ चम्मच हमने ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हमने ये ली है कलौंजी ली है। ये देखें तमाम इसमें मेरा मानी करते हुए हम डाल देंगे इसको। बस इसको हमने अब इतना इसमें अब हम एक गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। बकरे का गोश्त आपको मालूम है थोड़ा सा देर से गलता है, तो एक घंटा हम इसको देंगे गलने के लिए, उसके बाद इसको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखें ये तमाम चीज़ें जब हमने डाली थी, एक गिलास पानी डाल के हमने इसको गलने के लिए रख दिया था और ये अब गोश्त गल चुका है। बकरे का गोश्त है, देर से गलता है, एक घंटा हमने इसको पकाया। देखें चांपे हैं इसकी, हड्डियाँ इसमें भी तकरीबन, ये गल चुका है, पूरा गल चुका है। देखें आप इसको चाहें तो और भून लें, हमने इसको थोड़ा ग्रेवी रखा है। ये तमाम मसाला हमने कुटा हुआ इसमें डाला था, आपको मालूम है अदरक लहसुन भी हमने कुटा हुआ डाला था। ये देखें ठीक है, लास्ट में हम ये हरी मिर्चें और ये जीरा डाल रहे हैं और हरी मिर्चों को हमने थोड़ा सा इस तरीके से ये कर लिया था इसमें एक। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और भून के उतार लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें ये बकरे का गोश्त बन के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार है। ग्रेवी रखा है हमने इसमें और बहुत आसान था, हमने इसमें बहुत कम मसाला चाट डाले हैं और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन इसको ज़रा गलाने में टाइम लगता है बस, और बाकी तो इसमें बहुत आसानी से बन जाता है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामिद होना।